गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू पायनियर कॉन्वेंट स्कूल। आई एम शिवानी, आई एम योर साइंस टीचर। स्टूडेंट्स, वी स्टार्टेड आवर चैप्टर 11, फोर्स एंड प्रेशर, एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द टॉपिक फोर्स। नाउ टुडे वी विल रिवाइज द टॉपिक प्रेशर। बिफोर वी गोइंग टू स्टार्ट आवर टॉपिक, लेट्स सी एन एक्टिविटी। स्टूडेंट्स सी, दिस इज द बोर्ड। ये क्या है? एक बोर्ड है। दिस इज द बोर्ड एंड दिस इज माई थंब। नाउ आई एम अप्लाइंग द फोर्स ऑन माई थंब। मैं क्या कर रही हूँ? बोर्ड पे अपना थंब रख के इस पे अपनी फोर्स अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, सी सी माई थंब। इट डज नॉट गो इन टू द बोर्ड। इट डजेंट गो इन टू द बोर्ड। बोर्ड में नहीं जा रहा है। नाउ सी अनदर एक्टिविटी। दीज आर द पिंस। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ आई एम टेकिंग दिस पिन। अब मैं क्या करूँगी? मैं अप्लाई करूँगी फोर्स इस पिन पे। नाउ आई एम अप्लाइंग द फोर्स। Now applying the force on this pin. See, what happened? The pin goes into the board. Again आप देख सकते हैं, मैंने एक पिन लिया। क्या किया? पिन की हेल्प, पिन पे अपना फोर्स लगाया थंब की हेल्प से। See, the pin goes into the board. Students, the force applied on the board in both cases are same. जब मैं अपने thumb पे pressure force create कर रही थी तब भी उतना ही force था, and same जब मैंने pin पे force apply किया तब भी same था। But only pin goes into the board, not my thumb. Pin तो board में चला गया but thumb नहीं गया। You know why this happen? ये क्यों होता है? This happens due to pressure. ये किसके कारण हुआ? Pressure के कारण हुआ। अब आप कहोगे, मैम प्रेशर तो आपने दोनों ही चीज़ों पे इक्वल लगाया, थंब में भी इक्वल लगाया था जब मैंने थंब प्रेस किया बोर्ड पे, और जब मैंने पिन को प्रेस किया तब भी मैंने इक्वल प्रेशर अप्लाई किया। बट पिन, ओनली पिन गोज इनटू द बोर्ड। व्हाई? द ड्रॉइंग पिन गोज इनटू द बोर्ड ड्यू टू शार्प टिप। आप क्या देख रहे हो? देखो, ये जो पिन है हमारी, इस पिन का जो टिप है, सी ये जो पिन का टिप है, ये क्या है? बहुत ज़्यादा शार्प है। आप देखिए, द टिप ऑफ द पिन इज शार्प। एज दिख रहा है आपको? बिल्कुल पॉइंटेड है। इज अ शार्प एंड द फोर्स थम्स फॉल ऑन वेरी स्मॉल एरिया। जब मैं क्या कर रही हूँ, मैं पिन पे अपने थम से फोर्स लगा रही हूँ, तब क्या हो रहा है? वो बहुत स्मॉल एरियाज पे, मतलब सिर्फ इस पार्ट पे लग रही है, इस थोड़े से पार्ट पे हमारा क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। ठीक है, और जब मैं अपना क्या कर रही थी, सिर्फ थम पे प्रेशर लगा रही थी, थम पे अपना जब फोर्स क्रिएट कर रही थी यहाँ पे, तो ये मेरा जो थम का एरिया है ये बहुत ज़्यादा था, कंप्लीट पे लग रहा था। इसी के कारण क्या हो रहा था? मेरा जो थंब है वो बोर्ड में अंदर नहीं जा पा रहा था। सो ड्यू टू दिस फोर्स पर यूनिट एरिया जो मेरा क्या हुआ, वो बहुत ज्यादा था। द इफेक्ट ऑफ फोर्स, इस तरीके से हम बोल सकते हैं, द इफेक्ट ऑफ फोर्स डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन विच इट एक्ट्स। कि हमारा जो फोर्स का इफेक्ट है वो किस पे डिपेंड करता है? मैंने थंब पे भी फोर्स लगाया, मैंने पिन पे भी फोर्स लगाया, बट मेरा थंब जो है बोर्ड में नहीं गया, पिन अंदर चला गया, वो किस पे डिपेंड करा मेरा फोर्स? द इफेक्ट ऑफ फोर्स डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन विच एक्ट। कि हमारा फोर्स कितने एरिया पे लग रहा है ये किस पे डिपेंड करता है? ये हम सॉरी प्रेशर जो है वो इस पे डिपेंड करता है। ओके, सो व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर क्या होता है? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको डिफाइन करना हो, डिफाइन प्रेशर, तो आप क्या डेफिनेशन राइट करेंगे? प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। कि वन यूनिट एरिया पे कितना हमारा फोर्स लग रहा है वो हमारा क्या होता है? प्रेशर। आप प्रेशर को फाइंड आउट भी कर सकते हो। प्रेशर को हम पी से डिनोट कर रहे हैं, फोर्स डिनोटेड बाय एफ एंड एरिया डिनोटेड बाय ए। प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स डिवाइड बाय एरिया। जितना भी आपने फोर्स लगाया उसके डिवाइड में, जितने एरिया पे आपने फोर्स लगाया, अगर हम उसको डिवाइड करेंगे तो हमें क्या फाइंड आउट हो जाएगा? प्रेशर फाइंड आउट हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा हमारा जो क्या है, प्रेशर का टॉपिक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड, सॉरी इफेक्ट ऑफ टू अप्लाइड फोर्स डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। कि जो हमारा फोर्स का फैक्टर इफेक्ट है वो किस पे डिपेंड करता है? दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। नंबर वन, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड। कि फोर्स कितने मैग्नीट्यूड का अप्लाई हो रहा है? कि ज्यादा फोर्स है, मैग्नीट्यूड मीन्स द ग्रेटर द फोर्स एंड द ग्रेटर इट्स इफेक्ट।
मतलब जितना ज्यादा फोर्स हम लगाएंगे उतना ज्यादा इफेक्ट होगा, कम फोर्स लगाएंगे तो अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, उसका इफेक्ट भी कम ही होगा. दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड. नेक्स्ट इज द एरिया ओवर विच द फोर्स इज अप्लाइड. सेकेंड फैक्टर हमारा क्या है कि एरिया, कि कितने एरिया पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. देखो अगर क्या होगा, द स्मॉलर द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट, एरिया क्या होगा कम होगा तो जो इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होगा वो ज्यादा होगा. जैसे कि आपने देखा भी अभी पिन पे जब मैंने फोर्स लगाया था तो पिन का एरिया क्या था, बहुत कम, और इफेक्ट ऑफ फोर्स ज्यादा था. उस वजह से मेरी जो पिन थी वो बोर्ड में अंदर चली गई थी. एंड जब मैंने थंब पे फोर्स लगाया तो थंब का जो एरिया था वो ज्यादा था, इसीलिए फोर्स लगाने पे भी मेरा थंब बोर्ड के अंदर नहीं जा रहा था. इज इट क्लियर नाउ. दो इफेक्ट हमने पढ़ लिए यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड एंड नंबर टू इज द एरिया ओवर विच द फोर्स इज अप्लाइड. स्टूडेंट्स नेक्स्ट इज द प्रेशर इज द फिजिकल क्वांटिटी. प्रेशर क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है. ओके, जिसे जो एरिया और फोर्स के कारण हम जिसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर. प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होता है, द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर स्क्वायर मीटर. क्या है, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर. ये न्यूटन पर स्क्वायर मीटर कैसे हुआ आप देख सकते हो. आपको पता है प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, फोर्स डिवाइड बाय एरिया. एज वी नो यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, न्यूटन, और यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है, स्क्वायर मीटर. तो इसीलिए हमारी जो प्रेशर की यूनिट हमने लिखी है वो क्या है, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर. ओके, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज पास्कल, जिसको हम क्या कहते हैं, पास्कल भी कहते हैं. तो आप ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर में यूनिट पर स्क्वायर मीटर भी लिख सकते हो और पास्कल भी लिख सकते हो. ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर. एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, नंबर वन एप्लीकेशन कौन सी है, डिवीजन ऑफ प्रेशर बाय इंक्रीजिंग एरिया. प्रेशर को डिवाइड करना है कैसे, बाय इंक्रीजिंग एरिया, एरिया को इंक्रीज करके. अ हैवी ट्रक, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, अ हैवी ट्रक इज फिटेड विद 6 to 14 टायर्स. एक हैवी ट्रक में क्या होता है, 6 to 14 टायर्स होते हैं. और वो 6 to 14 टायर्स क्यों होते हैं, सबसे पहले समझिए. अगर क्या होगा, ट्रक में 4 टायर्स होंगे और ट्रक का जो वेट है वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा हैवी होगा. जितना ज़्यादा वेट होगा ट्रक में वो उतना ज़्यादा उस पर क्या करेगा, प्रेशर क्रिएट करेगा. और ट्रक में क्या है, जो प्रेशर को होल्ड करने के लिए सिर्फ 4 टायर्स होंगे, तो क्या होगा, उसका प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा और जो ट्रक है वो चल नहीं पाएगा और टायर जो है वो पंचर हो जाएगा. इसीलिए क्या होता है, हैवी ट्रक में क्या लगाया जाता है, 6 to 14 टायर्स होते हैं. दीज टायर्स क्या करते हैं, दीज टायर्स इंक्रीज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट. ये टायर क्या करते हैं, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट को इंक्रीज कर देते हैं. ऑन विच देयर वेट्स एक्ट्स, किस कौन से एरिया को, जिस पे वेट उनका लग रहा होता है. हैंस रिड्यूस देयर प्रेशर ऑन द ग्राउंड. इससे क्या होता है, अब 6 to 14 टायर होने से क्या होगा, जो ट्रक का वेट है वो धीरे धीरे हर टायर्स पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इक्वली डिवाइड हो जाएगा, जिसकी वजह से जो टायर ग्राउंड पे प्रेशर कम लगेगा. द नेक्स्ट हमारी एप्लीकेशन है, आप देख सकते हो, ये है स्कीज. स्कीज का यूज़ कौन करता है, स्कायर्स यूज करते हैं, जो वो स्नो पे चलते हैं. स्कायर यूज लॉन्ग फ्लैट स्कीज टू स्लाइड ओवर स्नो. स्नो पे फ्लैट मतलब कि स्लाइड करने के लिए वो स्कीज का यूज करते हैं. इन स्कीज में आप देख सकते हो, स्कीज हैव अ लार्ज एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट. अब ये देखिए स्कीज कितनी बड़ी है. अगर मैं डायरेक्ट सिर्फ अपने फुट का यूज करूंगी तो क्या होगा, मेरा एरिया कम होगा. एरिया ऑफ फुट हमारा क्या होगा, लेस, और हमारी बॉडी का प्रेशर क्या होगा, ज्यादा. अगर हम विदाउट स्कीज अगर स्नो पे हम मूव करते हैं तो क्या होगा, प्रेशर ज्यादा होने के कारण हमारा जो पैर है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, स्नो के अंदर डीप इनसाइड ऑफ द स्नो चला जाएगा. इसीलिए स्काइयर्स क्या करते हैं, स्नो पे मूव करने के लिए स्काइज का यूज करते हैं. स्काइज का यूज क्यों करते हैं, बिकॉज स्काइज में क्या होता है, लार्ज एरिया होता है. लार्ज एरिया होने से क्या हो जाएगा, द स्काइज हैव अ लार्ज एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट विच रिड्यूस द प्रेशर. अब प्रेशर क्या होगा, पहले सिर्फ मेरे फुट पे प्रेशर क्रिएट हो रहा था, अब जब मैंने स्काइज का यूज किया तो क्या हो गया, अब प्रेशर क्या होगा, पूरे स्काइज पे लगेगा, जिससे क्या होगा, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और वो प्रेशर स्नो पे कम लगेगा. इस तरीके से जो स्कायर्स हैं वो इजीली स्नो पे मूव कर पाएंगे विदाउट सिंकिंग द स्नो. स्नो के अंदर बिना सिंक किए, सिंक मतलब होता है धंस जाना, अंदर पैर चले जाना किसी भी चीज का. नेक्स्ट एप्लीकेशन भी हमारी ये शो करती है, वाइट फाउंडेशन. जैसे जो बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं उनका जो बेस है वो वाइट क्यों बनाया जाता है. फाउंडेशन ऑफ हाई राइज बिल्डिंग आर कीप्ड वाइट. जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उनका जो बेस है वो वाइट, बहुत ज़्यादा वाइट बनाया जाता है.
क्यों? क्योंकि जो बिल्डिंग होती है हमारी, जो नॉर्मल आप देख सकते हो जो 3 फ्लोर्स की बिल्डिंग है, इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। अगर हम इसका जो बेस है वाइड नहीं रखेंगे तो पूरी बिल्डिंग का जो प्रेशर है वो कम एरिया पे एग्जर्ट होगा, जिसकी वजह से जो बिल्डिंग है वो हमारी लैंड पे सिंक करेगी। बट अगर हम उसको वाइड बाउंड बेस अगर हम रखते हैं तो इससे क्या हो जाएगा, जो प्रेशर है बिल्डिंग का वो लो हो जाएगा और बिल्डिंग जो हमारी इजीली स्टैंड रह पाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा जो फोर्थ एप्लीकेशन जो शो करता है डिवीजन ऑफ प्रेशर को, वो क्या है, नाइफ और ब्लेड। आप देख सकते हो हमने हमारे घर, हम अपने होम्स में क्या करते हैं, नाइफ और ब्लेड्स का यूज़ करते हैं नॉर्मली। द कटिंग एज ऑफ नाइफ एंड ब्लेड एक्सिस एट्सेट्रा शार्प। आपको पता है नाइफ और जो ब्लेड्स होते हैं उनकी जो एक्सिस होती है, मतलब उनकी जो बाउंड्रीज होती हैं, जैसे आप ये स्केल देख सकते हो, ऐसी जो बाउंड्रीज होती हैं वो क्या होती है, बहुत शार्प होती हैं, ड्यू टू विच द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट डिक्रीजेज। जिससे क्या होता है, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है और जो प्रेशर है एग्जर्ट, जो हम प्रेशर अप्लाई करते हैं वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। दिस लार्ज प्रेशर हेल्प्स टू कट द ऑब्जेक्ट इजीली। जो लार्ज प्रेशर हम लगाते हैं उससे क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो हमारी वो इजीली कट हो सकती है। स्टूडेंट्स आपने देखा होगा हमारे घर में 2 टाइप के नाइफ्स होते हैं, एक थोड़े ब्रॉड होते हैं, एक बिल्कुल थोड़ा पॉइंटेड होते हैं। जो पॉइंटेड नाइफ होता है ना उससे हम इजीली कट कर सकते हैं, बिकॉज पॉइंटेड नाइफ का एरिया क्या हो गया, कम, और इससे क्या होगा, हम जितना प्रेशर अप्लाई करेंगे प्रेशर इजीली इंक्रीज हो जाएगा, तो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट जितना कम होगा प्रेशर उतना ज़्यादा एग्जर्ट होगा। तो स्टूडेंट आज हमने किया है प्रेशर एंड एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रेशर एग्जर्टेड बाय लिक्विड को रिवाइज करेंगे। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन कॉल मी इन इवनिंग 6 to 7 PM। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।